और आज लोकसभा में बोलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज शाम 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान होगा। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब। विपक्ष के आरोपों का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से क्या जवाब दिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। मणिपुर समेत तमाम मुद्दों पर जवाब संभव है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान ऑपोजिशन की तरफ से तमाम मुद्दे उठाए गए मणिपुर के साथ साथ। और आज ऑपोजिशन के उन तमाम आरोपों का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। तो आज शाम 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान, जिस पर होंगी सबकी नजरें। हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। राहुल देव हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। इसके अलावा प्रोफेसर पुष्पेश पंत हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और हमारे कई संवाददाता, कई रिपोर्टर्स भी करुणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिल्कुल, हमारे साथ जो हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन इस बीच शहजाद पूनावाला भी आपको नजर आ रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता, और भी तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए। लेकिन इस बीच हमारे साथ जो हमारे संवाददाता है वो आपको बता दें, कुमार कुंदन हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़े हुए हैं, राजीव सिंह इस वक्त हमारे साथ मुंबई से लाइव जुड़े हुए हैं, रुपेश कुमार पटना से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। समीर, बिल्कुल। और शहजाद, शुरुआत मैं आपसे ही करना चाहूंगा, क्योंकि देखिए आज सबकी नजरें होंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं, किस तरह से ऑपोजिशन के तमाम आरोपों का जवाब देते हैं। क्योंकि ऑपोजिशन ने तो कहा ही कि अविश्वास प्रस्ताव लाना ही इसलिए पड़ा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर के मुद्दे पर सदन के अंदर बयान दें। क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए, मणिपुर के मुद्दे पर तो आज विपक्ष पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। जो कह रहे थे कि उनकी मंशा थी कि मणिपुर के विषय में उनको विस्तृत जानकारी चाहिए, गृहमंत्री अमित शाह जी ने तो कल पूरी विस्तृत जानकारियां भी दी। परंतु यदि वो मणिपुर के विषय पर सीरियस होते तो पहले वो और उनके समर्थन में बैठने वाले जो टीवी पैनल पर आते हैं वो बताइए ना कि उन्होंने कौन सा पैमाना तय किया था, जब 93 में 200 लोग मारे गए थे, जब 97 में 352 लोग मारे गए थे और एक साल से ज़्यादा मणिपुर बंद रहा, 2011 में 120 दिन मणिपुर बंद रहा। ये वॉट अबाउटरी का मामला नहीं, ये सिलेक्टिव अप्रोच का मामला है। और देखिए, कल तो हमने ये भी देखा है कि गुस्ताख आँखों के इशारे से लेकर अब अनियंत्रित होठों के सहारे तक पहुंच गए। मतलब कि सदन के भीतर जब मणिपुर जैसी गंभीर चर्चा चल रही थी तो शांति प्रस्ताव में होहा करने वाले कांग्रेस पार्टी के लोग और उनके कुछ इकोसिस्टम के लोग जो पैनल पर बैठते हैं वो अब फ्लाइंग किस का भी आकर बचाव कर रहे हैं। वो ये कह रहे नहीं, नहीं फ्लाइंग किस तो दे दी परंतु इमोशन बहुत अच्छा था, मैं अपनी बेटी को रोज फ्लाइंग किस देता हूँ, वैसा इमोशन से किया गया फ्लाइंग किस था। नहीं नहीं, वो मंत्रियों की तरफ फ्लाइंग किस नहीं किया गया था, चेयर की तरफ फ्लाइंग किस किया गया था। तो समीर जी, आज सवाल ये बनना चाहिए कि पहले मणिपुर के विषय पर कांग्रेस पार्टी किस मुंह से बोलती है, महिलाओं के मुद्दे पर यदि वो संवेदनशील है तो राजस्थान से लेकर बंगाल तक आज तक किसी भी विषय पर कांग्रेस पार्टी के किसी नेतृत्व ने कोई टिप्पणी नहीं की है, मालदा में जो आदिवासियों के साथ हुआ, भीलवाड़ा में जो हुआ। और तीसरी बात, ये फ्लाइंग किस देकर सदन की गरिमा को बढ़ाने का काम राहुल गांधी ने किया है या संसदीय परंपराओं को भंग करने का काम किया? चलिए ठीक है। और सुजाता पॉल भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, आप ही का मैं रुख कर रहा हूं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास बहस में। सुजाता पॉल, देखिए सवाल मेरा आपसे यह है, क्योंकि मणिपुर का जब जिक्र हो रहा है, आप ही के सांसद गौरव गोगोई की तरफ से कहा गया कि 80 दिन के बाद 30 सेकंड का एक बयान आता तो है, वो 30 सेकंड का होता है प्रधानमंत्री की तरफ से, लेकिन आज जब प्रधानमंत्री अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने वाले हैं तो कितनी उम्मीद आपको है कि आज जिक्र होगा उनके संबोधन? इस बात का तो मतलब आप निश्चित तौर पर समझ लीजिए कि आज अगर बात होगी तो इधर उधर की बात होगी। मैं मणिपुर के बारे में एक बात जरूर साफ कर देना चाहती हूँ, मणिपुर भारत का हिस्सा कब बना? 15 अक्टूबर 1949 को, और उसके बाद यूनियन टेरिटरी का स्टेटस 1956 में, और उसके बाद राज्य का स्टेटस मिला 1972 में। लेकिन आज ये बता रहा है भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा, क्योंकि जिस वक्त मणिपुर चल रहा है उस वक्त आप इधर उधर की बात कर रहे हैं। और मैं बिल्कुल नहीं, ये जो फूहड़ता वाली बातें हैं, नौटंकी की बातें, इस पे तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी, क्योंकि मणिपुर की बहनें और भाई मुझे देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं और संसद की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं कि शायद कोई समाधान निकलेगा। समाधान के बारे में बिल्कुल नहीं कहा अमित शाह जी ने। अमित शाह जी ने जो बातें कही उसमें उन्होंने एक बात कही थी कि आसपा पूरे
नॉर्थ ईस्ट से हट चुका है। मैं आपको बता दूं कि आसपा कुछ थानों से 1 अप्रैल को हटाया गया, बीरेन सिंह ने कुछ थानों से मार्च के महीने में हटाया गया, तो ये कैसा झूठ था ये समझ में नहीं आया। असम के 9 जिलों में और 1 सब डिविजन जिले का उसमें अभी भी है, नागालैंड में 15 पुलिस स्टेशन और 7 डिस्ट्रिक्ट में है, मणिपुर में अभी 15 पुलिस स्टेशन में से हटाया गया, मगर 6 जिलों में अभी भी है। लेकिन जब ये बात कर रहे हैं मणिपुर की आज की घटना के बारे में, तो वहां पे ऐसा क्यों हुआ? मैं एक सवाल जरूर पूछना चाहती हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने कहा था कि 2.5 करोड़ वो सैंक्शन करेंगे एयर डिस्पेंसरी हेलीकॉप्टर सर्विसेज के लिए, जो एक्सक्लूसिवली जो पहाड़ी इलाके हैं उनके लिए होगा, लेकिन किया क्या? नहीं सुजाता जी, लेकिन ये भी कहा ना कल गृह मंत्री अमित शाह ने कि विपक्ष मणिपुर के मुद्दे पर आग में घी डालने की कोशिश कर रहा है। आप लोगों की मंशा मणिपुर के मुद्दे पर राजनीति करने की है, उसका एक छोटा सा जवाब दे दीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों का रुख करूं। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल। मणिपुर जाने वाले गृह मंत्री जो 3 दिन रह के आए और MOS 15 दिन रह के आए, पहली बात मैं उनको बता दूं कि पहली बार नेहरू जी जब गए थे तो 23 अक्टूबर 1952 को गए थे, फिर दूसरी बार 28 मार्च 1953 को गए थे, और ऐसे बहुत सारा है, डिटेल में नहीं जा रही हूँ, लेकिन इसलिए ताकि मणिपुर हमारे देश का हिस्सा बने। और राजनीति कौन कर रहा है, वो ये कहते हैं कि वीडियो क्यों बाहर आया, DGP को बता दिया जाता है। तो मैं पूछना चाहती हूँ अमित शाह जी से कि ADGP क्ले कोंगसाई का तो घर ही जला दिया गया, कौन सी पुलिस फोर्स की बात कर रहे हैं? जो पुलिस 2 तरफ हो चुकी है, जो कुकी पुलिस में है वो अलग और जो मेती है वो अलग, और ADGP का घर जला दिया जाता है, DGP पे भरोसा किया जा सकता है? कैसी बातें कर रहे हैं वो? ठीक है सुजाता जी, लेकिन इसकी तरफ से, इसके लिए तो गृहमंत्री की तरफ से ये बात कही गई कि 3 दिन तक उन्होंने खुद कैंप किया, किस तरह से उन्होंने दोनों पक्षों से बात करने की कोशिश की, शांति लाने की कोशिश की गई, इसको लेकर भी तमाम बयान दिए गए। बहरहाल पुष्पेश पंत जी, जिस बात का जिक्र बार बार हो रहा है मणिपुर के मुद्दे पर, ऑपोजिशन हावी नजर आया सरकार पर और अविश्वास प्रस्ताव लाने की उसे एक बड़ी वजह बताया गया, आज देश को मणिपुर पर लेकर जवाब मिल पाएंगे क्या? मेरा ऐसा मानना है कि मणिपुर पर जवाब प्रधानमंत्री क्या देंगे, वो क्या बात कहेंगे, इसमें मेरी दिलचस्पी बिल्कुल नहीं है। मेरा कुतूहल इस बात को लेकर है कि प्रधानमंत्री करेंगे क्या मणिपुर के बारे में। संसद में जो बहस हो रही है वो चलती रहेगी। शहजाद भाई ने भी विस्तार से उल्लेख किया कि कांग्रेस के दौर में क्या मणिपुर की दुर्गति हुई, मगर आज हम इतिहास अतीत की बात नहीं कर रहे हैं, हम वर्तमान की बात कर रहे हैं। अमित शाह जी ने कल बड़ा लंबा कच्चा चिट्ठा मणिपुर की घटनाओं का दिया, मगर साथ ही ये सवाल अभी बचा रहता है कि मणिपुर में आज भी असम राइफल्स और मणिपुर पुलिस आमने सामने है।